नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। आज वीकली एक्सपायरी था और बाजार थोड़ा नेगेटिव हुआ है। मॉर्निंग में मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव था और जिस लेवल पर हम लोग बात किए थे, डिस्कशन किए थे, बहुत अच्छे लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर निकला था। ठीक लेवल में ओपन भी हुआ था, मैंने इसमें ट्रेड भी दिया था आप लोगों को और एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। पर लॉट लगभग आपको 2500 के आसपास प्रॉफिट इसमें मिलता रहा होगा। मेरा व्यू थोड़ा और पॉजिटिव था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। फिर इधर आके मैंने पोजीशन कट किया लगभग 1000 रुपये लॉस में। तो ओवरऑल मैं 67,000 आसपास लॉस में टर्मिनल आज क्लोज किया हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में लगभग 1 लाख रुपये प्रॉफिट में था क्योंकि मेरे पास निफ्टी का भी पोजिशन कैरी फॉरवर्ड था और निफ्टी भी कंटिन्यू में ऊपर जा रहा था। ठीक है, लेकिन देखिए ओवरबॉट में था तो, और RBI का मॉनेटरी पॉलिसी भी था। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी बाजार पॉजिटिव रहा, लेकिन जैसे कल मैं बताया था दोस्तों कि शायद सबको पता है कि न रेट हाइक होगा न रेट कट होगा, तो न्यूट्रल वाले पोजीशन में रहेंगे RBI और वही पोजीशन में रहे भी, तो इसलिए बाजार ऑलरेडी RBI के तरफ से जो न्यूज आने वाला था, इवेंट का जो इफेक्ट होने वाला था मार्केट में, ऑलरेडी हो चुका था, मार्केट डाइजेस्ट कर चुका था, इसलिए बाजार थोड़ा सा वीक हुआ है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अब मुझे थोड़ा सा वीक लगता है और वीक होना भी चाहिए। कुछ रीजन आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप वीडियो का अंत तक देखिए और समझिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है और बहुत सारे दोस्तों के शॉर्ट वाले वीडियो में कमेंट आए, कुछ लोगों को याद भी है मेरे वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया, मेरे लिए बेस्ट विशेस किए आप लोगों ने, और इसके लिए आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लान करते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। पहली बात पे दोस्तों कि देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर ना, तो ये भाव देखिए, कुछ पॉइंट आप समझिए, और ये भाव, ये दोनों भाव में एक पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, क्या है कि बाजार यहाँ तक ना बाई होते गया है, लेकिन इसमें बाई नहीं हुआ है, इसमें शॉर्ट हुआ है, केवल शॉर्ट हुआ है, गैप अप ओपन हुआ और बाजार नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो जहां तक बाई होते गया वहां तक बायर इसे लेके गए। ठीक है, और जिस रेंज से इसमें गिरावट शुरू हुआ है उसी टॉप से बाजार में गिरावट आया है, तो आप इसे अब डबल टॉप मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें ऑल टाइम हाई की बात मैं नहीं करूंगा, चले जाएगा नो डाउट। ठीक है, लेकिन ऑल टाइम हाई के लिए मैं पोजिशन नहीं बनाऊंगा। अब मेरे लिए बाजार थोड़ा वीक हो गया है, मेरे लिए बाजार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, मतलब बाजार में रिट्रेसमेंट आना चाहिए। देखिए क्रैश नहीं होगा, अभी बहुत सारे यूट्यूब में आप लोगों को न्यूज ऐसे सुनने को मिलेगा, फिर लोगों की बातें सुनने को मिलेगा कि अब बाजार क्रैश होगा। क्रैश नहीं होगा मेरे भाई, जस्ट बाजार में एक रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट अभी देखिए स्टार्ट हो रहा है, और मेरे लिए सबसे बेस्ट लेवल क्या होता है ट्रेड करने के लिए कि एक कैंडल ऐसा बन जाए, इसके अंदर एक कैंडल ऐसा बन जाए और ये बन जाए वीकली में, तो ट्रेड मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता है। अगर इनसाइड पैटर्न नहीं बना, ठीक है, जैसे यहाँ भी इनसाइड पैटर्न बना था वीकली में, राइट, इसके बाद मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट किया, इसी तरीके से अगर टॉप में इनसाइड पैटर्न नहीं बना है तो मैं बड़ा गिरावट नहीं देखूंगा। बिना इनसाइड पैटर्न का अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर मेरे लिए गिरावट छोटा है, फिर किसी लेवल से बाजार वापस चले जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो निफ्टी में अब ऑल टाइम हाई की बात मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए बाजार थोड़ा सा वीक हो गया है, बाजार में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। और जिस पैटर्न की मैं बात करूं दोस्तों, ये बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, जैसे यहां बना इनसाइड पैटर्न, वही पैटर्न यहां बन चुका है, और इनसाइड पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा 43,700 के बिलो। 43,700 के बिलो अगर कल प्राइस जाता है तब भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है। ठीक है, मतलब इस वीक का आखिरी डे होगा। और अगर कल नहीं गिरता है तो आप उम्मीद करिए मंडे ट्यूजडे से हमें एक शॉर्ट का ट्रेड बाजार में मिलने वाला है। तो अभी लगातार हम लोग बुलिश थे, बुलिश पोजिशन बना रहे थे, मैंने सभी पोजीशन कल ही बताया था कि मैं कट कर लूंगा। मेरा व्यू था कि थोड़ा सा ऊपर खुलेगा बाजार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, बाजार खुला फ्लैट और फिर कंटिन्यू में ऊपर चला गया। तो निफ्टी में इनसाइड पैटर्न तो नहीं बनेगा, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर एटलीस्ट इधर आना चाहिए। ठीक है, इस भाव के आसपास आना चाहिए, और ये भाव क्या होना चाहिए, मतलब 18,000 के आसपास। इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल में 42,000 की तरफ आना चाहिए। तो मेरे लिए गिरावट बैंक निफ्टी में 42,000 का, ठीक है, निफ्टी में 18,000 का, मतलब निफ्टी यहाँ से 600 पॉइंट मिनिमम गिरना चाहिए। तो निफ्टी के लिए 18,000 का टारगेट आप रखिए और बैंक निफ्टी में 42,000 का मिनिमम टारगेट रखिए, एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी अकॉर्डिंग कल हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब कल के लिए
मैं शॉर्ट का ही प्लान करूंगा, मैं कल शॉर्ट करूंगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और शेयर करूं मैं आप लोगों को। देखिए जब मैं यहाँ पोजीशन कट किया, आप लोगों को मैसेज भी किया टेलीग्राम चैनल में, फिर ना मैं यहाँ पर एक शॉर्ट किया था, इस कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था। पहली बार जब से स्टार्ट हुआ था, मतलब अप्रैल और मई, मैंने कभी शॉर्ट नहीं किया, और थोड़ा बहुत एक आध दिन किया भी होगा तो मुझे लॉस लगा है। देखिए जब इसमें मैंने ट्रेड किया था तो थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन ये ऊपर जाके मेरा एसएल काट दिया, मैं इस स्विंग हाई का एसएल लगाया था। इसके बाद बहुत फास्ट गिरा, फिर मैंने इस कैंडल में शॉर्ट किया और जो मेरा थोड़ा लॉस था वो मेरा लॉस कवर हुआ, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं लॉस में गया हूँ, लेकिन जो यहाँ शॉर्ट किया था ये ऊपर गया था तो मेरा एसएल लग गया था, फिर जब नीचे बजा रहा है तो इसमें मैंने शॉर्ट किया और इसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिला है। तो पहली बार मुझे 2 महीना के बाद शॉर्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो अब मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट का ट्रेड देख रहा हूं दोस्तों। कल हम लोग इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे, ठीक है। आप लेवल नोट करिए 18,680, ये परफेक्ट लेवल होगा सेल करने के लिए, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,720, ठीक है। 5-10 पॉइंट बफर जरूर रखिए, ठीक है। 40 पॉइंट के एसएल लेके हम लोग इसमें देखिए 18,500 का आईटीएम शॉर्ट करिए, फिर फ्यूचर शॉर्ट करिए, ये बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, ठीक है। या फिर आप 18,000 भी शॉर्ट करेंगे तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है, क्योंकि 18,000 शॉर्ट करेंगे और गलती से बाजार इधर आ गया, इधर आके क्लोजिंग दिया, तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो डीप आईटीएम शॉर्ट करिए या फिर फ्यूचर शॉर्ट करिए हेजिंग के साथ, ये ट्रेड बहुत बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट का ट्रेड मिलने वाला है अपने को। कल आप नजर रखिए, देखिए हो सकता है बाजार यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दे या थोड़ा गैप अप खुल जाए, ठीक है, तो ट्रेड शायद न बने, लेकिन शॉर्ट का जो परफेक्ट लेवल होगा यहाँ होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। बाजार को पॉजिटिव होने के लिए 18,700 के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर ओपन होना पड़ेगा, तब बाजार पॉजिटिव होगा। अदरवाइज या तो साइडवेज रहेगा बाजार या फिर शॉर्ट में कल रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए 2 लेवल है, अगर थोड़ा ऊपर चले जाता है तो 18,720 से शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज 18,680 से भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 रुपए कैसे रखेंगे और टारगेट रखेंगे इधर का, ठीक है, मतलब 18,500 की तरफ का हमारा टारगेट होना चाहिए, और इसमें बाई का प्लान कल नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। ये हुआ दोस्तों निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप इंट्राडे में देखे होंगे ना, तो ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, यहाँ से बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा था। मेरे साथ लाइन में ट्रेड करते लड़के उनको बता रहा था ये ना ठीक नहीं हो रहा है जो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर जाना होता तो बाजार यहीं से नीचे नहीं आता, ठीक है। और एक पॉइंट, अगर बाजार नीचे जाने वाला है ना तो बहुत फास्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 44,000 में बाजार क्लोजिंग दिया है, ठीक। दो रेंज है ट्रेड करने के लिए, या तो एक इसी रेंज में मिल जाए या फिर एक रेंज यहाँ मिल जाए, ठीक है। अगर थोड़ा गैप अप खुलता है तो 44,150 के आसपास शॉर्ट करेंगे, ठीक है, 100 पॉइंट के एसएल डालेंगे। और अगर बाजार थोड़ा नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है तो इसी रेंज में शॉर्ट हो जाएगा बाजार, मतलब परफेक्ट 44,000 के आसपास शॉर्ट होगा, ठीक। यहाँ पर देखेंगे जब मान लो कि बाजार इसी रेंज में ओपन होता है, फिर जैसे नीचे जाने लगता है इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, पहले 100 पॉइंट के एसएल डाल के, एसएल लगता है ले लेंगे, फिर ऊपर जाने के इंतजार करेंगे, ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, 43,700 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर गया गुरु तो समझिए कि इसमें ना बहुत जल्दी 42,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, सिंपल, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसे गिराने के लिए आईसीआईसी बैंक पहले आएगा और कोटक बैंक चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आईसीआईसी बैंक में भी आप नजर रख सकते हैं कल के दिन पे, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों आप लोगों के लिए लेवल, मेरे लिए लेवल, कल इस ट्रेंड में हम ट्रेड करेंगे, राइट। और चलिए स्टॉक में शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले कोटक बैंक देखिए एक अच्छा गिरावट दिया है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू में नीचे जाना चाहिए, गैप भी है और गैप में कोटक बैंक में ना मेरे को लगता है गिरावट थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, कोटक बैंक में इधर का गिरावट आना चाहिए, 1750 की तरफ का गिरावट आना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट के लिए सबसे बढ़िया लेवल है 1900 का भाव। कल अगर 1900 के भाव में आपको दिखता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी रहता है तो चलेगा, ठीक है। 1915 के आसपास के स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर 1905 या 1906 में आसपास आपको ट्रेड मिलता है ना शॉर्ट का, तो ये बढ़िया लेवल होगा, ठीक है, परफेक्ट लेवल होगा। फिर हम यहां से शॉर्ट करेंगे और लोअर साइड में 1880 के आसपास, 70 के आसपास टारगेट देखेंगे अपन, ठीक है, नजर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ये है इंडियन होटल, परफेक्ट एम पैटर्न बना है, ठीक है। और कल फ्री क्लासेस में मैं एम पैटर्न के बारे में सिखा रहा था, नहीं मिल रहा था चार्ट, आज मिल गया, देख लो, ठीक है। तो इसमें कल आप शॉर्ट का ट्रेड डालेंगे, परफेक्ट ट्रेड है, ठीक है। थोड़ा ऊपर मिल जाए अच्छा बात है, मतलब अगर ये 385 386 के आसपास मिलता है ट्रेड, बहुत बढ़िया लेवल होगा। थोड़ा सा ऊपर चाहिए अपने को, इस रेंज में ट्रेड चाहिए, ठीक है, एक अच्छा रेंज रहेगा।
ठीक है, पहले ऊपर फिर यहां से नीचे आएगा तो ट्रेड हमारे लिए अच्छा रहेगा। 385 के आसपास शॉर्ट करेंगे, टारगेट इंट्राडे में 380 का रखेंगे, 380 के बिलो चले जाएगा तो 375 के आसपास का टारगेट इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा आप इंडियन होटल में। ठीक है, तो ये दो स्टॉक हुए दोस्तों। एक स्टॉक और आईसीआईसी बैंक आप लोगों को शेयर करूंगा, इस स्टॉक को नजर रखिएगा, अगर एक गलती से क्लोजिंग दे देता, देखिए ये भी इनसाइड पैटर्न है वीकली में, राइट, मुझे लगता है अगर कल भर और रुक जाए या कल भी जाएगा तो शॉर्ट दे देगा 933 के बिलो। अगर 933 के आसपास आके क्लोजिंग दे दे या फिर 930 के आसपास आके क्लोजिंग दे दे तो पोजिशनल में भी ना इसे शॉर्ट करके जा सकते हैं हम, परफेक्ट ट्रेड मिलेगा हेजिंग के साथ। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर करने की कोशिश करूंगा कल दोस्तों। ओके, तो ये हुआ आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर लेवल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।